नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी दलों ने शुरू कर दी है। हर दल अपने अपने तरीके से मिशन 2024 में जुटे हैं। सियासत की अलग अलग पार्टियां भी गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन इस बीच बिहार के एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में सत्ताधारी दल में शामिल विकासशील इंसान पार्टी ने अब एकला चलो का फैसला किया है। बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने फेसबुक लाइव के जरिए बड़ा ऐलान किया है। सहनी ने कहा है कि 15 अप्रैल से अलग रणनीति के तहत मैदान उतरेंगे, एक एक बूथ पर जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और 2024 में अकेले बिना किसी के मदद से 40 सीटों पर ताल ठोकेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि हम इस कदर काम करेंगे कि लोकसभा चुनाव में हम किसी के पीछे नहीं घूमेंगे। आइए हमसे गठबंधन करिए, अगर उनको जरूरत होगी तो आकर हमसे गठबंधन करेंगे। फेसबुक लाइव में सहनी ने कहा, हम कह सकते हैं कि एनडीए में तो आज हम नहीं हैं, लोगों ने हमें एनडीए से निकाल दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि अगर हम एनडीए में होते तो हमें हमारा हक मिलता, हमने हमेशा अपना धर्म निभाया, लेकिन हमें आज गठबंधन में हमारा हक नहीं मिल रहा, वो हमें निकाल चुके हैं, ऐसे में अब हमें अपने ढंग से काम करना है। मुकेश सहनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी समय है, पहले बोचहा में हमें चुनाव जीतना है। हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हमारा साथ दीजिए, आपके लिए ही हम लड़ रहे हैं, जो गलतफहमी हुई है उसे दूर करिए। दरअसल ये सारा विवाद यूपी विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब बिहार में हो रहे एमएलसी चुनाव में सीट न मिलने पर टकराव बढ़ गया है। तो बिहार में मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में 12 अप्रैल 2022 को वोटिंग होगी, जबकि 16 अप्रैल को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद खाली हो गई थी। मुसाफिर पासवान ने नवंबर 2021 में दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से चुनाव लड़कर मुसाफिर पासवान विधायक बने थे। लेकिन इस सीट पर उपचुनाव के साथ साथ बिहार की 24 एमएलसी सीटों पर भी चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में एनडीए गठबंधन सीट देने के मूड में नहीं है, जिसकी वजह से दरार की संभावनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।